तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मेरे नए वाले वीडियो में। और आज करने वाले हैं कुछ खुराफाती काम, जैसे कि मैं 2 साल बाद, पढ़ाई छोड़ने के 2 साल बाद, क्योंकि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो उसके बाद मैं सोचा कि मैं कितने पानी में हूँ देखते हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका क्या है वो बताते हैं कि मैं कैसे लगाता था। मुझे लगता है कि मैं जो लगाता था वो परफेक्ट है, तुम लोगों के आगे काम भी आने वाला है। तो हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, और कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, मेरा कितना मार्क्स आता है इतने दिनों बाद वो देखते हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट लगाने का मेरा बेसिक रूल ये है कि तुमको जितना टाइम है, जैसे कि पहला मैं CVT 1 लगाने वाला हूँ, तो CVT 1 का टाइमर कितना था, 1 घंटे का। तो कभी भी खुद से अगर प्रैक्टिस करते हो तो 1 घंटे में ही तुमको करना है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट तुमको आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पीड बढ़ेगा तुम्हारा, और ये समझ में आएगा कि मैं कितने पानी में हूं। ठीक, तो हाँ पहले ये बता दूं कि मैं CVT 1 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं किरण पब्लिकेशन के बुक से। इसमें क्या है कि ALP का स्टेज 1 का लगभग 30 शॉर्ट पेपर दिया हुआ है, 30 सेट्स दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस सेट लगाओ वो भी बढ़िया है, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ हमेशा प्रीवियस ईयर को। तो 30 प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ इसमें से किसी एक को लगाएंगे, और ऐसा तुमको ना लगे कि मैंने पहले से तैयार करके दे रहा हूँ पेपर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 30-40 नंबर से ज़्यादा मेरा आएगा, 30 नंबर भी आ जाए तो बहुत है यार। क्योंकि देखो समझाता हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दिया लगभग 2 साल पहले, तो अब क्या है मेरा कंडीशन मुझे नहीं पता। वो JEE के लिए मेरा भी फायदा हो जाएगा कि मेरा कंडीशन क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो समझ में आ जाएगा, क्या वीक हो गया है, क्या अभी अच्छा है। जैसे मुझे लगता है कि अभी मेरा मैथ अच्छा ही होगा, पहले जैसा नहीं होगा फिर भी ठीक होगा। तो हाँ 1 घंटे का टाइमर लगाते हैं, किरण पब्लिकेशन का ये बुक है जिसमें 30 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो इससे सॉल्व करेंगे। और तुमको ऐसा ना लगे कि मैंने सेटिंग बैठा के रखा हुआ, इसलिए मैं ऐसे आंख बंद करके इसको खोलूंगा और जो प्रैक्टिस सेट खुलेगा उसी को सॉल्व करूंगा, 30 में से कोई भी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हाँ मेरा खुला है 19 नंबर, और मैं इसी को सॉल्व करने वाला हूँ इसके थ्रू। तो 1 घंटे का टाइमर सेट करते हैं। ठीक, प्रैक्टिस सेट लगाना है, कॉपी पेन तो मैं लाया ही नहीं यार, वेट। तो कॉपी ला लिया और पेन, ठीक है अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना 1 घंटे का टाइमर लगा के। स्टार्ट करते हैं, टाइमर तो लगा लूं, 1 घंटे का टाइमर लगा चुके हैं, और अब करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना। पता नहीं कितना आएगा मेरा नंबर, तो देखते हैं। माई टाइम स्टार्ट नाउ। तो देखो बीच में लाइट कट गया था, तो जैकेट पैकेट मैंने उतार दिया है, और रुक जा भाई, 13 मिनट कुछ टाइम बचा हुआ है जो कि मैंने सॉल्व कर लिया है। और आ जाओ अब दिखाता हूँ, पहले बता दूँ कि मैंने अटेम्प्ट कितना किया हुआ है। तो मेरा अटेम्प्ट है 61 इतने टाइम में। और कुछ कुछ ट्रिक्स है जो कि मैं यूज करता हूँ प्रैक्टिस सेट लगाते हुए, जैसे कि दिखाता हूँ, इसको निकालते हैं कैमरे को। तो देखो जैसे कि कुछ कुछ ट्रिक्स है, जैसे ये है 6 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मैंने राउंड किया हुआ है, इसको राउंड किया हुआ है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस को राउंड किया हुआ है। तो ये राउंड करने का मतलब क्या होता है, क्यों राउंड किया हुआ है, इसका भी तो भाई कोई मतलब होता होगा ना। मैं बता दूं, देखो जैसे एग्जाम में टाइम और सॉल्व करना दो चीज़ अलग अलग चीज़ होता है। कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और मेरे को कन्फ्यूजन रहता है उस पर कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसके लिए मैं राउंड कर देता हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हो जाएगा, लेकिन मैं बाद में करूंगा, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कन्फर्म आता हुआ क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस सेट में मैं ऐसा करता हूँ, और सेम चीज़ तुम ऑनलाइन में भी कर सकते हो मार्क एंड नेक्स्ट करके, समझे। तो अब देखो मैं मिलाता कैसे हूँ क्वेश्चंस। तो जैसे यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है इस बुक का, तो देखो मैं इसका ऐसे फोटो ले लेता था, पहले भी मैं ऐसे ही करता था, फोटो लेके मिलाता था, और अभी भी मिलाएंगे इसको। तो आ जाओ मिलाना स्टार्ट करते हैं, कितना आंसर आ रहा है सही कितना गलत। ठीक है, तो भाई शर्म तो बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी दिखाता हूँ कितना नंबर आया मेरा, 48 आउट ऑफ 75, और रॉन्ग मेरा था 9,
और इसमें -3 होता है, 48 आया है, 51 मेरा राइट था पूरा। तो हाँ ये बुक है जो, ये बुक तो बहुत बढ़िया है, ये जो मेन चीज़ है ना प्रीवियस ईयर का अप्रोच जो बहुत बढ़िया है। तो एक चीज़ समझाता हूँ, पहले मेरा कितना था, तो पहले उतना ही आता था जैसे 50 55 58 ऐसे। एक बार तो मेरा 60 आया था। और मैं बताता हूँ कि देखो, जैसे अभी मैंने बताया कि पेपर मैंने मिला लिया, अब मुझे अभी पढ़ना नहीं लेकिन तुमको पढ़ना था, तो इसके बाद क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना है प्रैक्टिस सेट कर लगाने के बाद, और क्या क्या चीज़ मेनली फोकस करना है वो बात करते हैं। पहले इसको मैं सेटअप पे लगा लूँ, वेट। तो बात करते हैं कि मेनली किस किस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। तो मेन इसको करने के बाद तुमको ध्यान देना है कि मेरा कौन सा टॉपिक क्लियर है, कौन सा सब्जेक्ट क्लियर है। जैसे कि तुम्हारा अगर मैथ क्लियर है तो मैथ कम पढ़ना है, रीजनिंग क्लियर है तो रीजनिंग कम पढ़ना है, साइंस में प्रॉब्लम आ रहा है प्रॉब्लम उसे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन 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 सा क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से गलत कर रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक से मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, वो चीज़ पे तुमको ध्यान देना है। प्रैक्टिस सेट लगाने का सबसे मेन बात वही होता है, इससे तुमको इम्पोर्टेंट सब पता चलेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कहाँ से नहीं पूछा जाता है। तो देखो मेरा कंडीशन तो अभी ऐसा है, सब लोग अपना कमेंट करके बताना कि तुम्हारा प्रैक्टिस सेट लगाने पे कितना आ रहा है, और क्या टाइमर लगा के तुम लोग करते हो, या फिर बाद में एनालिसिस करते हो जो इसका आंसर दिया हुआ है, ये देखते हो कि क्या गलत है क्या सही, मतलब क्या मेरे से ज़्यादा सॉल्व हो पा रहा है क्या ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें फॉलो करते हो तो बढ़िया है, नहीं करते हो तो अब से मेरे हिसाब से तुमको करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ और देखो कुछ लोग पूछ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम का कोई बुक बता दो प्रैक्टिस करने के लिए, तो किरण का ही दो बुक है मैंने दिखाने के लिए स्पेशली ऑर्डर किया हुआ, काफ़ी सस्ता है, 250-250 रुपये का, तो मैंने सोचा इतना तो हो ही सकता है। तो ये हिंदी वाला मेरे पास पहले से था, जो मैंने पहले वाला बुक मंगाया था तो उसने मैंने मंगाया था, और दूसरा वाला ये है इंग्लिश मीडियम के लिए, तो सेम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टाइप ही है, लेकिन ये पूरा इंग्लिश में है और ये तुमको पूरा हिंदी में मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों वाले में एक ऐसा ये आता है, अबे फट गया यार, ये आता है, तो इसको तुम ऑनलाइन 20 सेट मिलता है वो भी लगा सकते हो। तो हाँ इस दोनों बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रीवियस ईयर के हिसाब से जाके कर सकते हो, और कुछ सजेशन चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। नंबर सब लोग जरूर बताना किसका कितना मार्क्स आ रहा है सॉल्व करने पे। तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगा के मैं थक गया यार, बहुत दिन बाद इतना पढ़ा हूँ मैं, इतना घंटे मतलब बैठा हूँ पढ़ने, पहले पढ़ते थे उस पर अलग चर्चा करेंगे कितना घंटे पढ़ते थे, अभी तब तक के लिए बुलेट जा रहा है माधुरी। बुलेट वाले तो अलग ही परेशान करते हैं ना, जो कान में पड़ 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 होता है, तो बुलेट जा रहा था अभी। चलो ठीक है, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, सब बात है। हाँ इतना मेहनत करके प्रैक्टिस सेट लगा हूँ यार, वो लाइक लाइक चाहिए, लाइक कर देना, और नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कोई सवाल हो तो कमेंट कर देना, ठीक है।